प्लेट मैंने छोले समोसे खाए, दो प्लेट साहिल ने खाए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो गाइस अभी मैं हूँ सोमेश्वर में, हमारे घर के पास में एक मार्केट है 7 किलोमीटर दूर। तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ काम था, कुछ सामान वगैरह लेना था। आते हुए तो हम बस में आए थे, बट जाते हुए हम जाएंगे पैदल 7 किलोमीटर। तो पूरा दिखाऊंगा किस तरह का यहाँ से है। बीच में कितने गाँव आते हैं, 7-8 गाँव, बीच में 7-8 गाँव आते हैं। 7 किलोमीटर हमने पैदल चल के जाना है, तो काफी ज्यादा मजा आएगा। 7 किलोमीटर में 6-7 गांव है यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो कितने छोटे छोटे गांव हैं। मैं आपको हमारे गांव का भी पूरा टूर दे दूंगा। तो गाइज फिलहाल अभी हम हैं सोमेश्वर में, और ये एक रोड सुनसान सी थी, यहाँ पे मैं तो थोड़ा व्लॉग कर लेता हूँ, क्योंकि मार्केट के अंदर तो बहुत ज़्यादा भीड़ सी थी और शोर से था, तो मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा था। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फील्ड भी है, तो वहीं पर जा रहे हैं। सो गाइस सोमेश्वर में एक फील्ड भी है काफ़ी बड़ा, जहाँ पर सब खेल रहे हैं क्रिकेट। तो ये काफ़ी बड़ा फील्ड है, और ये सारा सोमेश्वर है, यहाँ पर से लेके पूरा सोमेश्वर है और पूरी मार्केट है यहाँ पे। ये वही नदी है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, ये यहाँ पे भी है, उस साइड भी है। तो ये पूरे उत्तराखंड में फैली हुई है। अभी हम जा रहे हैं रोड में घर की तरफ, और 20 मिनट हमको हो गए चलते हुए। कोई कौन है वो? मुझी है, मुझी। 10 रुपए वाली एप्पी मिली, इससे बड़ी तो थी नहीं। तो 2 हमने एप्पी लिए हैं, और तूने क्या लिया रे? किसने पता नहीं क्या लोकल सा कुछ लिया है। एप्पी काफी अच्छी लगती है, अरे छोटी छोटी क्यूट सी लग रही है। मेरी तो फेवरेट है एप्पी, मेरे को तो और कोई ड्रिंक अच्छी नहीं लगती, मेरे को एप्पी अच्छी लगती है। तो वहां पर एक गांव है जिसका नाम है माला, और जहां पर अभी हम चल रहे हैं उसका नाम क्या है? अधूरिया। तो ये गांव अलग है जहां पे अभी हम चल रहे हैं, और जो वहां पे दिख रहे हैं आपको वो अलग है। सो गाइस वहां पर है हमारा घर, बिल्कुल लास्ट में जो वो वाला पहाड़ दिख रहे हैं आपको, तो वहां पे हमारा घर है। और इन पहाड़ों पे से अभी ये रोड है, तो रोड घूम फिर के यहाँ से तो वहां जाना है। अभी 5 किलोमीटर और है। तो गाइस यहाँ पर 3 गांव हैं, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, नाम अजीब से हैं, जो कि मेरे को खुद को ही नहीं पता। तो ये बताएंगे क्या क्या नाम है, बताओ। खीराकोट, सैल, भूंगा। खीराकोट, सैल और भूंगा। अच्छा, तो पानी भर रहे हो? तो ये भर रहे हैं पानी। तो गाइस अभी आ चुके हैं हम चनोदा। तो फाइनली गाइस हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं, टोटा सीलिंग में। सो गाइस वो है हमारा घर, और हम अपने गांव में पहुंच चुके हैं, और यहां पे खेत है। तो फाइनली हम अपने घर पहुंच चुके हैं, और हमको पूरे 2 घंटे लगे 7 किलोमीटर पैदल चल के आने में। और गाइस मौसम भी काफी बढ़िया हो रहा है, आई थिंक अभी बारिश भी आ सकती है, क्योंकि ऊपर बादल हो रहे हैं, बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही और हवा भी चल रही है। तो अब मैं ऊपर घर में जाता हूँ, और खाना पीना खाते थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, तो मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। नमस्कार अम्मा। नमस्कार, भला रचा तो ये है अम्मा का घर, तो ये वाला घर अम्मा का है, और अम्मा अकेली रहती है यहाँ पे। अपना नाम बता दो। नाम क्या, क्या नाम है आपका? आपका नाम नहीं पता अपना? नहीं। कितने साल के हो आप? कितने साल के हो?
80 साल के। A few moments late. So guys, मैं बैठा हूँ विंडो में और बाहर हो रही है अब काफी तगड़ी वाली बारिश। और आपको यहाँ पे भी आवाज आ रही होगी, यहाँ पे टीन डाल रखे हैं तो टीन के ऊपर आपको आवाज आ रही होगी एंड काफी ज्यादा ठंड भी हो रही है। तो आई एम टेकिंग टी। So guys, finally, तेज बारिश रुक चुकी है और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो अभी मैं जा रहा हूँ नदी की तरफ देखने के लिए कि नदी कितनी ज्यादा फ्लो कर रही है, क्योंकि बारिश हुई है तो नदी काफी ज्यादा हो जाती है बारिश में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे पूरा पानी पानी हो रहा है तो मुझे केयरफुली चढ़ना पड़ रहा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और अभी तो गाइस ये है हमारे चाचा जी। क्या कर रहे हैं? खेतों में पानी डाल रखा था ना, उसको देखने आए थे। अच्छा, बारिश आ गई आज तो तगड़ी वाली। हाँ, अच्छी होगी बारिश तो। और सब ठीक ठाक? सब बढ़िया हो रहा है। और सब बढ़िया हो रहा है? हाँ, बारिश आ गई तगड़ी वाली। हाँ। अभी नदी में जा रहा था नदी देखने के लिए मैं। A few moments later. और गाइस लिटरली नदी पूरी आ चुकी है, मुझे दिख रही है और काफी तेज बहाव है। पहले तो काफी ज्यादा पत्थर से दिख रहे थे बट अब नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाय द वे मैं अकेले आया हूँ अभी, तो देखते हैं कैसा है नदी का बहाव। बहुत ज्यादा हो रहा है, अब तो यहाँ नहा ही नहीं सकता, कोई नहाएगा तो सीधा बह जाएगा। काफी तगड़ी नदी आ रही है। सो गाइस ये देखो अच्छी वाली नदी का क्या हाल हो गया, अब तो यहाँ बिल्कुल पत्थर नहीं दिख रहे। पहले तो वहां तक पत्थर दिख रहे थे और वहां पे हम नहा रहे थे, तो चलते हैं वहां पे देखते हैं किस टाइप का हो गया वहां पे। सो गाइज वहां पे हम नहा रहे थे और वहां पे पत्थर दिख रहे थे, अब तो एक पत्थर भी नहीं दिख रहा। तो लिटरली पूरा डूब चुका है और देख सकते हैं आप किस तरह से पानी बहते हुए जा रहा है। 4 घंटे कॉन्टिन्यूसली काफी तेज बारिश आई है, उसकी वजह से ये हुआ है। अगर 4 घंटे और आ जाए तो जहां पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे पानी आ सकता है पूरा। यहाँ पे देखो गाइज किस तरह से पानी बह रहा है, काफी डरावना सा लग रहा है, जैसे बाढ़ आती है। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस तरह से पानी बहते हुए। अब मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं परसों यहाँ पे नहा रहा था और अब देखो कैसा हो गया यहाँ पे। तो ये दीपू और साहिल भी आ चुके हैं, देख साहिल कैसा हो गया पानी। यहाँ पे हम नहा रहे थे कल, लग रहा है देख पानी देख कैसे आ रहा है। वो पत्थर तो दिख नहीं रहा, जो पत्थर था वो पत्थर तो दिख ही नहीं रहे, देख कैसा हो गया। मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस तरह से। क्या पता आपको कैमरे में कैसा दिख रहा हो, बट रियल में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट रियल में बहुत ज्यादा डरावना सा लग रहा है, जैसे कि इधर भी आ जाएगा पानी। बट अभी बारिश नहीं आ रही तो नहीं आएगा पानी। पानी थोड़ा थोड़ा चॉकलेट जैसा भी लग रहा है लग रहा है चॉकलेट जैसा लग रहा है पानी आज तो लिटरली बहुत ज्यादा मजा आ गया ये देख के, मतलब मस्त लग रहा है इसको देखने में काफी ज्यादा। यहाँ पर परसों में भाग रहा था, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, यहाँ पर परसों में भाग रहा था और आप देखो कैसे पानी बह रहा है यहाँ। अब तो पैर रखते ही सीधा बहा के ले जाएगा ये। तो गाइज अब शाम हो चुकी है और अब हम जाएंगे घर। तो इस व्लॉग में इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।